एक ठोस शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 33 और 27 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक शंकु का छिन्नक बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो तो ये छिन्नक हो गया आपका, शंकु का छिन्नक हो गया। अब इसकी त्रिज्याएं दी है उसको लिख लेते हैं। नीचे वाले सिरे की त्रिज्या मान लेते हैं 33 क्योंकि बड़ा है ना। चलिए ये हो जाएगा 33 और ये सजे की त्रिज्या है आपकी 27 और तिरछी ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो पहले आपको ऊंचाई निकालना होगा क्योंकि धारिता निकालने के लिए आयतन निकालना है ना, तो ये ऊंचाई की जरूरत है। तो चलिए पहले छोटा आर दिया है आपके पास 27 सेंटीमीटर, बड़ा आर दिया है आपके पास 33 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो पहले हमें निकालना होगा एच। तो एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही करेंगे। चलिए एल एल बराबर कितना है तो 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस बड़ा आर है आपके पास 33 और माइनस 27 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 100, तो लिखेंगे रूट अंडर 100 माइनस, देखिए ये घटाइएगा तो आएगा आपका 6 आएगा ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि आ जाएगा ये रूट अंडर 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग निकालने धारिता, यानी कि हमें निकालना है शंकु के छिन्नक की धारिता, शंकु के छिन्नक की धारिता की धारिता। धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला आपको तो पता है क्या करना है, आयतन वाला 1/3 पाई छोटा आर का स्क्वायर बड़ा आर का स्क्वायर है ना, और प्लस r इंटू एच, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 1/3 पाई की जगह रखेंगे 22/7 है ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए आर स्क्वायर एन छोटा आर स्क्वायर, तो छोटा आर आपका दिया है 27, तो 27 का स्क्वायर प्लस बड़ा दिया है 33, तो 33 का स्क्वायर और प्लस 27 × 33 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटू है एच, तो एच का मान है आपके पास 8, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो ये 1/3 नहीं कटेगा यहाँ भी, 22/7 ब्रैकेट के अंदर 27 का स्क्वायर कितना होगा, तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और 33 का स्क्वायर होता है 1089, 27 में 33 से गुना कर दीजिए आ जाएगा 891 और गुना 8, 1/3 22/7। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 2709 और गुना में 8, 7 से इसको काट सकते हैं कितना बार में, तो 387 बार में ये कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 से जब इसको काटिएगा तो ये आएगा 129 बार में ये कट जाएगा, ठीक है 129 बार में। अब इन तीनों में गुना करिए 22 में 127 से और फिर 8 से, तो आ जाएगा 22704 सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता निकल जाएगी। चलिए अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या निकालना है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो होता है पाई छोटा आर प्लस बड़ा आर इंटू एल प्लस ऊपर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले वृत्त का पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका इसमें से एक काम करिए, पाई की जगह रखिए 22/7, छोटा आर आपके पास दिया है 27 और बड़ा आर दिया है आपके पास 33 और एल दिया है 10, ठीक। प्लस पाई की जगह 22/7 रखिए, छोटा आर दिया है आपके पास 27, तो हो जाएगा 27 × 27 और प्लस, ठीक है 22/7, तो यहाँ भी रख दीजिए 22/7 गुना बड़ा आर कितना है, तो है आपका 33 × 33, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे 22/7 गुना ये देखिए ये जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना 60 ना, और गुना 10 प्लस उसी तरह 22/7 ये 27 में 27 से गुना होगा तो 729 हो जाएगा, 22/7 33 में 33 से गुना होगा तो 1089, 22/7 यहाँ कॉमन कर लेंगे ना तो यहाँ बच जाएगा ये कितना 600 होगा, यहाँ कितना होगा ये आपका 729 होगा और यहाँ ये कितना होगा 1089 होगा, समझ रहे ना। चलिए अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22/7 गुना ये तीनों को जोड़ने से आपका आ जाएगा कितना आएगा, आप जोड़िए तो तीनों को जोड़िएगा तो 600, 729 और 1089, ये आपका आ जाएगा 2418, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22 में जब गुना कर दिया गया तो ये हो जाएगा आपका 53196 आ जाएगा, ठीक है 53196 आ जाएगा 22 से गुना करिएगा तो, अब बट्टा में है 7,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसमें भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 7599.4, बाकी बहुत सारे अंक आएंगे, 0.3 ले लेते हैं अभी तक, 7599.43 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में ये इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो या किसी अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।